अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एहसान और आप देख रहे हैं इजी वे फ्रेंड। दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज इस वीडियो में भी मैं आपको वेलकम करता हूँ। और दोस्तों, आपने मेरी इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। जैसा कि मैंने दोस्तों लिखा था कि आज हम अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में पबजी के ग्राफिक को हाई करने वाले हैं। हमारे पास इतना एक्सपेंसिव मोबाइल भी नहीं है, इतना एक्सपेंसिव टैबलेट भी नहीं जो 50,000 वाला हो या 1,00,000 वाला हो। हमारे पास तकरीबन 40,000 30,000 की रेंज में मोबाइल है। तो उसमें भाई हम कैसे पबजी ग्राफिक को हाई करें, उसमें हम HDR में कैसे खेलें, अल्ट्रा HD में कैसे खेलें, ये बहुत से सवाल हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके यही सवाल कवर करने वाला हूँ। मगर तब दोस्तों आप अपने ग्राफिक को हाई करेंगे जब आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, उसको सही तरह से समझेंगे। अगर आप दोस्तों मेरी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको इससे पबजी के ग्राफिक को हाई करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता जाऊँ कि आप मेरे चैनल इजी वे फ्रेंड को सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि दोस्तों मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब बड़ा ये कि पबजी ग्राफिक को हाई कैसे करना है। दोस्तों, पहले तो दोस्तों आपको पबजी की ज़रूरत होगी, पबजी एप्लीकेशन की। वो दोस्तों आपको सिंपली प्ले स्टोर से मिल ही जाएगी। मगर दोस्तों, अब पबजी तो हमने डाउनलोड कर ली, पर उसके ग्राफिक को कैसे हम हाई करें, वो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर चले जाने के बाद दोस्तों आपने सर्च करना है, सर्च पे आपने लिखना है BAGT बैक्ट। बैक्ट दोस्तों ये है कि बैटल ग्राउंड एडवांस्ड ग्राफिक टूल। आप दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि दोस्तों ये 2.4 MB की एप्लीकेशन है, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इससे आपकी पबजी बिल्कुल बैन नहीं होगी, ये नो बैन वहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये यूज़र फ्रेंडली ग्राफिक टूल, यानी कि दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से पबजी ग्राफिक को हाई कर सकते हैं, अल्ट्रा HD कर सकते हैं, 60 FPS कर सकते हैं और शेडो भी इनेबल कर सकते हैं, वो भी अल्ट्रा HD में। मगर दोस्तों, इसके लिए आपको मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने ये इंस्टॉल कर ली है और आपने इसको सिंपली ओपन कर लेना है। यहाँ जाके आप इसको सिंपली ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ अलाउ लिखा होगा, आपने इसको सिंपली अलाउ कर दें। आप जैसा कि इसको अलाउ करते हैं, अलाउ करने के बाद ऐसा इंटरफेस होगा। और यहाँ दोस्तों आपको समझने की ये बड़ी है कि हमने आप ग्राफिक को कैसे हाई करते जाना है, आपको सिंपली समझ लगती होगी। दोस्तों यहाँ ग्राफिक्स क्वालिटी लिखा होगा, ग्राफिक क्वालिटी यानी कि हम अल्ट्रा HD में कैसे करें। दोस्तों आपने इसको सिंपली अल्ट्रा HD पर सेलेक्ट कर देना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों शेडो क्वालिटी, जो हमारे शेडो वो भी दोस्तों अल्ट्रा आपने कर देना है। उसके बाद रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में दोस्तों आपने अल्ट्रा टैबलेट्स लिखा हुआ है, यानी कि मैं टैबलेट्स पे वीडियोस बना रहा हूँ, पर अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल लिखा होगा, तो आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद दोस्तों शेडो अंडर डिस्टेंस, इसको भी आपने एक्सट्रीम कर देना है। और कलर स्टाइल में दोस्तों इसको आपने कलरफुल कर देना है। और इसके बाद दोस्तों फ्रेम रेट की बारी आती है, इसमें भी दोस्तों आपने 60 FPS कर देना है। और उसके बाद रिस्टोरिंग क्वालिटी, इसको भी आपने बिल्कुल हाई कर देना है। और उसके बाद दोस्तों लाइट इफ़ेक्ट की बड़ी आती है, लाइट इफ़ेक्ट को भी आपने दोस्तों हाई कर देना है। और इसके बाद दोस्तों बड़ी आती है एंटी अलाइजिंग MS AA, दोस्तों आपने इसको भी इनेबल कर देना है दोस्तों। और उसके बाद साउंड इन्हेंसमेंट, इसको भी आपने हाई कर देना है। और ग्राफिंग APL को आपने ओपन GL पे ही रखना है। दोस्तों ये तो आपने कुछ कर लिया। दोस्तों मैंने सारी चीज़ों को अल्ट्रा HD कर दिया कि ताकि आपको दिखाया जाए। और दोस्तों इसको अप्लाई कर देना है, अप्लाई का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों उसके बाद कन्फर्म सेटिंग, इसका मतलब है कि हमने जो HDR किया और 60 FPS किया, इससे आपकी बैटरी बहुत जल्दी लूज़ होगी और ये आपकी डिवाइस बहुत हीट होगी। तो हम दोस्तों कहते हैं कि यस कर देते हैं। दोस्तों हमने इसको सिंपली यस कर देना है। दोस्तों यस करने के बाद दोस्तों आपके सामने 5 सेकंड अपेयर होंगे। दोस्तों आपने 5 सेकंड का वेट करना है। और उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपकी पबजी मोबाइल में अल्ट्रा HD, ये सारी चीज़ें जो आपने इनेबल की हैं, ये अप्लाई हो जाएंगे। दोस्तों और यहाँ रन गेम लिखा है, दोस्तों आपने इसको मिनिमाइज करके गेम नहीं चलनी। दोस्तों आपने यहाँ से ही रन गेम करना है, आपने यहाँ से ही पबजी मोबाइल खेलनी है। तो आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि मैं बैक्ट एप्लीकेशन से ही पबजी गेम को प्ले कर रहा हूं। और अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सेटिंग पर जाकर ग्राफिक पे देखेंगे कि ये
अल्ट्रा एचडी पर चलती है कि नहीं, 60 FPS पे है कि नहीं, और लैग कितनी करती है, पिंग कितनी आती है, ये आप इसका पता करेंगे दोस्तों ये होम स्क्रीन पर आने के बाद। जैसे ही मैं पबजी मोबाइल गेम के होम पर आ जाऊंगा तो मैं पहले स्टेप में आपको बताऊंगा, सेटिंग पर जाकर और ग्राफिक में जाकर आपको दिखाऊंगा कि ये HDR पे इनेबल हुआ है कि नहीं। दोस्तों जैसे कि मैं एंटर हो गया हूँ और आपने सिंपली सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर चले जाने के बाद आपको सेकंड नंबर पर ग्राफिक्स नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप HDR देख सकते हैं, स्ट्रीम इनेबल हुआ है दोस्तों। सेकंड ज़रूरी बात ये है कि आपने दोस्तों स्मूथ या बैलेंस पर रख कर आपने इसको ओके नहीं करना। जैसे कि दोस्तों आप इसको ओके करेंगे, ओके पर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये बैलेंस पर हो जाएगा, फिर आगे आपका HDR पर इनेबल नहीं होगा। इसलिए फिर आपको दोस्तों दोबारा वही एप्लीकेशन बैक पर जाकर वही आपको करके अप्लाई करना है। जैसे कि दोस्तों मेरा ये आप दोबारा नहीं हो रहा था, मैंने दोबारा ये बैक एप्लीकेशन पर जाकर अप्लाई किया वही चीज़ें, तो दोबारा मैंने गेम रन की। आप दोस्तों जैसा कि मैंने दोबारा गेम रन की है, आप दोस्तों पहले तो मैंने आपको दिखा दिया कि HDR पर इनेबल है, अब मैं आपको दोबारा फिर HDR पर दिखाऊंगा सेटिंग पर जाकर, फिर आपने ग्राफिक पर चल जाना है। आप देख सकते हैं कि HDR पर मैंने दोबारा वहाँ वही बैक एप्लीकेशन से दोबारा HDR पर इनेबल किया, आपने दोस्तों बैलेंस पर रख के ओके नहीं करना या स्मूथ पर रख कर। दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रेम रेट भी लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, एक्सट्रीम। दोस्तों मैं इसको सिंपली एक्सट्रीम पर सिलेक्ट कर दूंगा। फ्रेम रेट को तो मैंने दोस्तों एक्सट्रीम पर सिलेक्ट कर दिया और बाद में इसको ओके भी कर दिया। अब दोस्तों हम लैग देखेंगे कि लैग कितनी करती है, पिंग कितनी आती है, और ये सारी चीज़ें हम ये गेम खेलने के बाद हमें पता चलेंगी। तो हम सिंपली TDM मैच खेल लेते हैं। हम दोस्तों सिंपली आपको दिखाने के लिए TDM मैच में एंटर हो गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं गेम में एंटर हो गया हूँ अल्ट्रा HD पर भी रख के, और फ्रेम रेट भी मैं एक्सट्रीम रख के फिर भी मैं गेम में एंटर हो गया हूँ। आप देख सकते हैं बहुत स्मूथली से हम गेम में एंटर हो गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने गेम के एंटर होते ही सेटिंग पर जाकर आपको ग्राफिक में जाकर HDR पर इनेबल करके दिखाया और उसको ओके किया, और उसके बाद मैंने एक TDM मैच लगाया और उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लैग नहीं कर रही पबजी गेम, और उसके बाद पिंग भी बहुत लो आ रही है, और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हाई क्वालिटी है, और उसके साथ साथ दोस्तों आप शेडो भी देख सकते हैं बहुत अल्ट्रा आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले आ रहे हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों मैं आपको ये तो नहीं दिखा रहा कि ये मैं किल कैसे करता हूँ या हेडशॉट कैसे मारता हूँ, पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप किसी भी चीपेस्ट मोबाइल फ़ोन यानी कि 30,000 वाली रेंज या 32,000 वाली रेंज वाले मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट टैबलेट पर आप ये तरीका अपना कर इसको हाई क्वालिटी पर कैसे खेल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास 25,000 वाला भी है उसमें भी कर सकते हैं, या 15,000 वाला भी उसमें भी कर सकते हैं, पर उसमें शायद लैग करे दोस्तों। पर दोस्तों अगर आपके पास 25,000 से अबव है तो उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि शेडो कितने ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अल्ट्रा HD वाले आ रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना कि ताकि आप थैंक्स का लफ्ज अपने हवाले कर सकें और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रख सकें। शुक्रिया।